चीन समंदर के नीचे रेल बिछा रहा है, अमेरिका मंगल ग्रह के ऊपर जाके जीवन खोज रहा है, रूस रोबोटिक आर्मी बना रहा है और भारत चौकीदार बना रहा है, वो भी चोर बना रहा है। हम तो सोचे थे चौकीदार होगा, हम तो सोचे थे चौकीदार होगा चौकन्ना, ये तो निकला निकम्मा निकम्मा। मोदी साहब, जब माल्या और नीरव मोदी भाग रहे थे तो ड्यूटी पे कौन सा चौकीदार था? बात करोड़ों की मोदी, दुकान पकौड़ों की और संगत भगौड़ों की ठोकोताली। और आज तुम छा गया कि मैं हो गया शुरू, गुरु हो गया शुरू, प्रवान कर दू वट देगा दे दे। जिनाज प्रधानमंत्री भजया फिरे नरेंद्र भाई मोदी, तुम कहां के राष्ट्रभक्त? गांव के राष्ट्रभक्तों, मैं तुमसे सवाल करता हूं, तुमने क्या किया है गरीब का? तुम्हारा क्या सरोकार है? तुम सिर्फ आज मुद्दों से भगौड़े होके, इन मुद्दों से भाग के देश का ध्यान डिफ्लेक्ट कर रहे हो, देश को किसी और तरफ मोड़ रहे हो। सुना है सरहदों पे तनाव है, सुना है सरहदों पे तनाव है, अरे जरा पता तो करो क्या चुनाव है, क्या चुनाव है? आज तुम उधर भाग रहे हो, आज तुम वो बातें कर रहे हो जो डेवलपमेंट की नहीं, आज तुम फौज के कंधों से सियासी तीर चला रहे हो। भारतीय जनता पार्टी मोदी के नाम पे वोट मांग रही है, मोदी फौज के नाम पे वोट मांग रहा है और वाराणसी में एक फौजी मोदी के खिलाफ वोट मांग रहा है ठोकोताड़ी। अरे पहले जब आतंकी हमले होते थे मोदी, तो इस्तीफे मांगे जाते थे। शिवराज पाटिल साहब ने इस्तीफा दिया बंबई रायट्स में, जब बंबई में आतंकी हमला हुआ तो शिवराज पाटिल साहब ने दिया, विलास राव देशमुख साहब ने दिया, चिदंबरम साहब ने इस्तीफा दिया, सरदार मनमोहन सिंह ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया। लेकिन अब जब आतंकी हमले होते हैं तो तुम वोट मांगते हो, तुम लाशों पे वोट मांगते हो, तुम किसानों की शहादत पे वोट मांगते हो और तुम्हारा वो मुख्यमंत्री योगी काहे का योगी, सत्ता का लोभी, खोद दो उसकी गोभी। वो कहता है मोदी जी की आर्मी, मोदी जी की आर्मी, संस्थाएं खत्म कर दी, सीबीआई को रबड़ का गुड्डा बना दिया, रॉ के भेद खोल दिए, जुडिशरी ये वकील है, जुडिशरी चौराहे पे लाके खड़ी कर दी और चौराहे पे प्रेस कॉन्फ्रेंसें हुई। एक फौज बची थी बोजी साहब, ये फौज हिंदुस्तान के लिए जंग लड़ने के लिए है मोदी साहब, ये तुम्हारे इलेक्शन के लिए नहीं है। मुद्दों पे आओ। आप ही तो कहते थे ना बहनों भाइयों, ना खाने दूंगा। वाह मेरे झूठे लल्ला, वाह वाह कमाल ही करती, ना खाऊंगा ना खिलाने दूंगा ना खाने दूंगा। तो मोदी साहब मुझे बताओ कि 35,000 करोड़ रुपए अंबानी को राफेल डील में किसने खिलाए? बताओ ऑफसेट पार्टनर किसने बनाया? बताओ अंबानी की 7,500 करोड़ में डूबी हुई कंपनी के 10 रुपए के शेयर 1100 में किसने खरीदे? सुनो, बिल्कुल ठीक है, पूरे ब्रह्मांड में शोर है, जमीन पे ही नहीं आकाश और पाताल में भी चौकीदार गली गली में शोर है, गली गली में शोर है, गली गली में शोर है। सुनो मोदी, ये आवाज जमीन फाड़ के आ रही है, तुम्हारी लहर कहर बन गई, तुम अपने झूठों में डूब जाओगे और जब कहोगे ना कि अब की बार मोदी सरकार, तो लोग कहेंगे बस कर यार।
ठोको ताली ठोको। अब की बार बस कर यार, मैं कहूंगा अब की बार, 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 अब की बार। ये हकीकत है नरेंद्र भाई मोदी। मैं नवजोत सिंह सिद्धू ललकार के तुम्हें कहता हूं, नेक माँ का दूध पी के तुम्हें कहता हूं, मेरे पूर्वजों का आशीर्वाद मेरे सर पे है, बांसल साहब जैसे बुजुर्गों का आशीर्वाद मेरे सर पे है। आओ इस देश के किसी गली मोहल्ले कोने में किसी चौपाल में आके बहस करते हैं कि तुम अमीरों के चौकीदार हो या गरीब किसान के। यदि तुम जीत गए मोदी तो मैं राजनीति सदा के लिए छोड़ के चला जाऊंगा। आओ आम मैदान में, तुम चौकीदार हो। अरे मैं जनता से पूछ रहा हूं, क्या चौकीदार किसान के घर के बाहर खड़ा देखा कभी? देखे है? किसे किसान दे घर दे बाहर, किसे चौपड़पट्टी दे बाहर देखे है? चौकीदार खड़ा होंगे अंबानिया दे अडानिया दे घर दे बाहर, ते उठे गरीब का जाना मर्जे ते ठोको ताड़ी। वो पुराने जमाने की गल है, मैं अपने घर देखता हूं सी कि चौकीदार जो रात को निकलता हूं सी वो कहता हूं सी जागते रहो, सुने कि नहीं सुने, जागते रहो जागते रहो। मोदी साहब सरकारी बैंकों ने 17 लाख करोड़ रुपये एनपीए कढ़ा के अमीरां दे हाथ दे के अंबानी अडानी दे हाथ दे के तुसी कहने हो भागते रहो। अरे भागते रहो ठोको, भागते रहो, भागते रहो, ये तेरी चौकीदारी है। अरे काहे का तू चौकीदार है, मच गई देश में हाहाकार है, नोटबंदी और जीएसटी ले बैठा दुकान को, कर्जा ले बैठा किसान को, 15 लाख का मोदी आज भी इंतजार है, काहे का तू चौकीदार है, काहे का तू चौकीदार है, कितों का चौकीदार है तू? मैं सवाल करता हूं और सुनो, नरेंद्र दामोदर दास मोदी एक स्वतंत्रता सेनानी का बेटा तुम्हें कह रहा है और टंके की चोट पे कह रहा है, सत्य के बलबूते पे कह रहा है, गांधी को सत्य मान के कह रहा हूं कि आज थे तुम 2014 में गंगा के लाल बनके और जाओगे 2019 में राफेल के दलाल बनके, राफेल के दलाल। दलाल हो तुम, मैं कहता हूं चलो करो केस, आओ देश को बताओ, उड़ाना था राफेल के लाश, उड़ा दी भाई, फाइल उड़ गई, पकड़ लो पूछ, जो देश की फाइल राफेल की महफूज नहीं रख सकता वो हिंदुस्तान को कैसे महफूज रखेगा। अरे और तो और ये खड़ा है सिद्धू अपने बुजुर्ग के चरणों में, अरे तुम आडवाणी जी के नहीं हो सके मोदी, हिंदुस्तान के कैसे हो सकते हो, कैसे हो सकते हो? जब 2002 में तुम्हारी सरकार बनी थी केशु भाई ने बगावत की, वहां जाके स्तंभ की तरह आडवाणी खड़े हुए कि नहीं यही रहेगा, खुदरा हुआ जो भी हुआ सारे देश को पता है, तब तुम अंगद का पैर लगा के वहां खड़ा हुआ था मोदी, तुम उनसे मुंह फेर गए। लेकिन एक बात याद रखना, शास्त्रों की बात है कि ब्रह्म हत्या भी परमात्मा माफ कर देता है, लेकिन एहसान फरामोश इंसान का बोझ ये धरती सहती नहीं सहती। मैं कह रहा हूं क्या किरदार है तुम्हारा बिखर गया, किरदार तुम्हारा ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। तुम कहते थे 10 रुपए का पेन लो, 10 रुपए का पेन लो तो पक्का बिल लो बहनों भाइयों, पक्का बिल। अरे राफेल के बिल की बात करते हैं तो तुम बिल भी ला जाते हो मोदी, बिल भी ला जाते हो, ठोको ताड़ी, ठोको ठोको, सबका साथ सबका विकास। सबका साथ तो था सरकार लोगों की, लोगों के वास्ते, तुमने लोगों की सरकार एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना दी राहु केतु की, और तुमने अंबानी और अडानी की बना दी 0.001 पूंजीपतियों के प्रधानमंत्री हो तुम नरेंद्र मोदी।
मैं डंके की चोट पे कहता हूं, जितने फायदे सरकार के सब अंबानी और अडानी के, ये मोबाइल है, नौजवान लेके घूमते हैं। इस मोबाइल में सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर हिंदुस्तान की अगर कोई कंपनी है तो वो BSNL है, सरकारी कंपनी है। तुमने BSNL को 4G नहीं दिया आज तक। आज तक नरेंद्र मोदी, तुम्हारी राष्ट्रभक्ति के पोतले खोलता हूं आज, तुमने आज तक BSNL को 4G कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया। किसको दिया? एयरटेल को दिया। और जियो धन धना धन, जियो धन धना धन, जियो धन धना धन, जियो धन धना धन। क्या नाता है तुम्हारा इनके साथ? 5,50,000 करोड़ रुपए की इंफ्रास्ट्रक्चर, इसको तुम बेचना चाहते हो अंबानी को? ये नाता है तुम्हारा? सरकारी कंपनियां भेल 8,000 करोड़ रुपए के फायदे में 2014 में, और 2016 में 913 करोड़ में रह गई। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया 2,092 करोड़ के फायदे में 4,000 करोड़ के घाटे में है। तुम बांग्लादेश गए, तुम सब मुल्कों में घूमे, पैराशूट पर ही रहे तुम। हम तो ग्रास रूट रहे, तुम पैराशूटर हो, 2 साल ऊपर ही रहे हवा में। तुमने जाके 18 कॉन्ट्रैक्ट कराए अंबानी और अडानी को। 3 रुपए की बिजली NTPC साहब, 3 रुपए की बिजली टेंडर डाल के बांग्लादेश में NTPC बेचे। तुम उसी बांग्लादेश में जाके बगैर टेंडर के, बगैर किसी कॉन्ट्रैक्ट के, बगैर कंपेटिटिव बिडिंग के, तुम वही कॉन्ट्रैक्ट अडानी को और अंबानी को 40,000 करोड़ का 5.80 रुपए में दिलवा। गन्ने चूसण नू बांदरी ते डंडे खाण नू रिच, ठोको ताड़ी। क्या ये तुम्हारी राष्ट्रभक्ति है? क्या ये राष्ट्रभक्त मोदी है जिसने सरकार को मार के अंबानी और अडानियों को खड़ा कर दिया? क्यों? क्योंकि वो गाना गाते हैं सवेरे उठते ही, नाच मेरी बुलबुल के पैसा मिलेगा, कहां कदरदान अंबानी अडानी जैसा मिलेगा, ठोको ताड़ी। ये हकीकत है तुम्हारी। तुमने इस देश को मंदिर मस्जिद के नाम पे बांट दिया, इस देश के संविधान की धज्जियां उड़ा दी। तुमने वोटों की पोलराइजेशन के लिए मजहब को खड़ा कर दिया। अरे मजहब नहीं सिखाता आपस में पैर रखना, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। बापे ने किया मानस की जात सब एक है पहचान वो, यदि भगवान राम ऊंच नीच को मानते तो शबरी के बेर नहीं खाते, यदि भगवान कृष्ण ऊंच नीच को मानते तो सुदामा को गले नहीं लगाते, और यदि हमारे सिख गुरु ऊंच नीच को मानते, जात पात को मानते, तो मुस्लिम मीर, मुस्लिम फकीर मियां मीर साहब दरबार साहब की नींद रखते। विठल विठल जपन वाले नामदेव, गुरु ग्रंथ साहब चला हम दे, संत कबीर बाबा फरीद, गुरु ग्रंथ साहब चला हम दे। नरेंद्र मोदी बंद करो ये मंदिर मस्जिद की राजनीति, ना मंदिर की बात हो ना मस्जिद की बात हो, प्रजा बेरोजगार है। पहले निवालों की बात हो, किसान की पगड़ी की बात हो, औरत के सम्मान की बात हो, गरीब की रोटी की बात हो, ठोको ताड़ी। तुम बात करते हो राष्ट्रवाद की नरेंद्र मोदी, तुमने खत्म कर दिया हिंदुस्तान। मैं जब छोटा था तो मेरे बुजुर्ग कहा करते थे नरेंद्र मोदी, वो कहते थे कि गुरु गोविंद सिंह पातशाह ने किसी को कहा था, उन्हें पूछा बोझ सबसे बड़ा, बाबा जी बोझ केड़ा सब तो वड्डा, तो उन्होंने कहा था बाप के कंधों पे बेटे का जनाजा। उन्होंने कहा जी सरकारों पे बोझ कौन सा है? उन्होंने कहा कर्जे का बोझ। तो नरेंद्र मोदी बताओ, मैं पूछता हूं तुमसे, तुम्हारे राष्ट्रवाद के पोतले खोलते हुआ, कि इस देश पे 64 साल में 50,00,000 करोड़ का कर्जा था और तुम्हारे 5 साल में 32,00,000 करोड़ रुपया बढ़ गया, 50 लाख से 82,00,000 करोड़। पहले हिंदुस्तान 70,000 करोड़ एक साल में कर्जा ही होता था, अब एक साल में 6,25,000 करोड़। 17,00,000 करोड़ बैंकों के, सारे सरकारी बैंकों के। 2,00,000 करोड़ था जब ये फाइनेंस मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह जी के साथ, 2,00,000 करोड़ NPA, अमीर आदमी लेके जो पैसे भाग गए। आज 17,00,000 करोड़ है साहब, 17,00,000 करोड़ रुपया अमीरा ने चका के मंडाता नरेंद्र मोदी। सरदार मनमोहन सिंह वेले 2,00,000 करोड़ रुपया सी। और तुसी गल करदे हो राष्ट्रवाद की, तुसी गल करदे हो देश दे नाल खड़े होण दी। ना राम मिला ना रोजगार मिला,
हर गली में मोबाइल चलाता हुआ एक बेरोजगार मिला। ठोको तारी ठोको टका के ठोको, सच कह रहे हैं तो जो गलत कर रहे हैं ठोके कर रहे हैं। कितने जवाब नहीं आया, मैं चार प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, कितने मोदी साहब ने मुझे जवाब नहीं दिता, ना मोदी साहब के कहे चेले ने, बस शिकायत करते हैं। जीतू ने छाडे खिलाफ ऐ कहता, जीतू ने छाडे खिलाफ ऐ कहता, इन्हू बहन कड्डो। आए हाय मोदी साहब, कमजोर लोग शिकायतें करते हैं और तगड़े सिख शिकस्त देते हैं, शिकस्त हराउंदे करारी शिकस्त। मैं शिकस्त करके तेन शिकस्त देंगे मित्रा, तेन ग्लोटनी खवावांगे और जनता के दरबार के खवावांगे। तेन वेखी तू गल्ला करदा है, अंधी के नैनों को खुमार आया, अन्नी दे नैनां नू खुमार आया, अज गंजी नू कंगी दा प्यार आया। ठोको ताड़ी ठोको टका, अन्नी दे नैनां नू खुमार आया, अज गंजी नू कंगी दा प्यार आया। बेचे सी जिन्हां ने हिंदुस्तान दे खजाने दे हक अंबानिया नू, बेचे सी जिन्हां ने हिंदुस्तान दे हक अडानिया नू, अज उन्हां दा बीजेपी दी वजारत दे विच शुमार है। वेखो जाके किसे पेट्रोल पंप ते खड़ जाओ, नरेंद्र मोदी दा हसता हुआ नूरानी चेहरा, आए हाय हाय देखे, हरेक पेट्रोल पंप ते लग्या ठा कर रहा है, काली जुल्फे रंग सुनहरा, वाह जी वाह। ड्यूटी 400% डीजल डीरेगुलराइज कीता, पुछो इन्हां नू कदे सरदार मनमोहन सिंह ने किसान दे हक दे विच डीजल रेगुलराइज डीरेगुलराइज नहीं करन दिता। 400% डीजल दे उत्ते ड्यूटी, 270% पेट्रोल दे उत्ते ड्यूटी, सरदार मनमोहन सिंह सरदार और असरदार, और नरेंद्र मोदी की गरीब का भला किया जे 400% ड्यूटी लाती, 37 रुपए का पेट्रोल, 47 रुपया टैक्स, 200 रुपए का पजामा, 1200 का नाला। ठोको ताली ताली ठोको टका के ठोको, गरीब बर्बाद करके रखता खत्म कर, मैं गल्ला सच्चिया करते ताली ठोको बाहर रखो कर्म। ये सियासत है, ये राष्ट्रवाद है, तुहाडा ये हिंदुस्तान इदा अगे जाऊगा। अच्छा होर सुनो, नरेंद्र मोदी साहब एक ऐसी राजनीति करते हैं, नरेंद्र मोदी साहब सोचते हैं कि 2014 से पहले भारत था ही नहीं, एक रेलवे स्टेशन था और एक चाय की दुकान थी। ठोको नरेंद्र मोदी साहब बोलते 2014 के पहले भारत नहीं था, भारत था ही नहीं, एक रेलवे स्टेशन था और एक चाय की दुकान थी, मोदी साहब ने खोद के निकाला है इंडिया। हसलो हसलो ताली ठोको पर, हाँ ठोको, हाँ मोदी साहब ने खोद के निकाला है। मैं कहता हूं नरेंद्र मोदी बात सुनो, जिस दिन तुम पैदा नहीं हुए थे, पैदा नहीं हुए थे 1950 में, उस दिन अंबेडकर साहब ने हिंदुस्तान का संविधान रच दिया था। जब तुम मां के पालने में थे नरेंद्र मोदी, तो चाचा नेहरू ने अंतरिक्ष में यान भेज दिया था, इसरो, ये सब भाभा एटॉमिक सेंटर, और जब तुम डंडे खड़का रहे थे आरएसएस की शाखा में, टिक टिक डंडे टिक टिक टिक, तो हिंदुस्तान 3 जंगे जीत गया था, फौज की 3 जंगे जीत गया था हिंदुस्तान, तो जो भी पाके अच्छे रूट का नहीं जाना। हसलो हसलो ताली ठोको, अरे नौटी बंदे हो तुम, मैंने मरवाओगे फिर उन्हें शिकायत मारनी मेरी सिटी इलेक्शन कमीशन, समझ लो है। नरेंद्र भाई मोदी, जब तुम स्कूल जाना शुरू नहीं हुए थे, तो चाचा नेहरू ने आईआईटी और आईआईएम खुलवा दिए थे, और जब तुम रूठ के हिमालय चले गए थे, हाय हाय रुस के चले गए, रुस के चले गए, अब जब तुम रूठ के हिमालय चले गए, तो इंदिरा गांधी ने ग्रीन रेवोल्यूशन पंजाब में व्हाइट रेवोल्यूशन ला के देश आत्मनिर्भर कर दिया। शेर चलिया कर दे, खुददार चलिया कर दे, सिर उच्चा करके कौम ते पंजाबियों दे सरदार चलिया कर दे। और जब गोदरा हो रहा था 2002 में, जब गोदरा के दंगे हो रहे थे गुजरात में, नरेंद्र मोदी
तब दिल्ली में मेट्रो ट्रेन दौड़ रही थी, ठगो ताली। तुम बात करते हो कांग्रेस के 70 सालों की बात करते हो, ये कांग्रेस पार्टी चाचा नेहरू की है, मौलाना आजाद की है, महात्मा गांधी की है, ये कांग्रेस पार्टी लाला लाजपत राय की है, ये कांग्रेस पार्टी शहादतों की है। ये ना समझना ये स्वाधीनता तुम्हें यूं ही मिली है, हर कली इस बात की खून पी के ही खिली है, बिछ गए वो नींव में दीवारों के नीचे गड़े हैं, ये महल अपने शहीदों की चिताओं पे खड़े हैं। हत्तियां ला के बैठे हो तुसी, हत्ती लगा के बैठे हो तुम अंबानी और अडानी की, सौदे कर रहे हो इस देश के, इस देश की डिफेंस डील्स तुमने डीआरडीओ को, डीआरडीओ को नहीं दी, एचएएल को नहीं दी, जिन्होंने पृथ्वी बनाई, आकाश बनाई, अग्नि बनाई, तुमने उनके हक मार के 60-60 हजार करोड़ की डीलें, नरेंद्र मोदी वो दे दी तुमने इन अंबानी और अडानियों को, जापान में, रशिया में, स्वीडन में, फ्रांस में। बाबा नानक कहते थे तेरा तेरा तेरा, तू कहता है मेरा 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 मेरा। ये राष्ट्रभक्ति है तुम्हारी, ये राष्ट्रभक्ति है। मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूं, मैं बहुत कुछ बोल सकता हूं, मैं 15 तारीख के लिए भी कुछ थोड़ा सेव करके रखेंगे, ऐसी बात नहीं है, इसके उधेड़नी है बखियां, स्वेटर की तरह उधेड़ना, लेकिन एक बात बता दो मुझे, मैं आपसे इतना ही पूछना चाहता हूं कि 70 साल पुरानी ये कांग्रेस पार्टी जिसने 5 गांधी दिए, जिसने 5 गांधी दिए, महात्मा गांधी सत्य की मूर्ति, उसके बाद इंदिरा गांधी, उसके बाद राजीव गांधी जिन्होंने कहा सख्तियां सहने के लिए पत्थर का जिगर पैदा करो और कौम की खातिर जो कट सके वो सर पैदा करो, शहादतें दी, जेलें झेली। सोनिया जी जब सत्ता थी अपने बेटे को पीछे रखा सरदार मनमोहन सिंह और बंसल साहब को मंत्री बनाया, अब भी लाल बत्ती लगेगी गुरु, ठोको ताली अगर आए। मेरिट को ऑनर किया, मेरिट को ऑनर किया, हम भी खड़े हैं इस 70 साल की पार्टी के लिए। तुम कहते हो 70 साल में कांग्रेस ने किया क्या है? अरे बगैर नींव के बिल्डिंग बन गई, तुमने 2 माला के ऊपर एक शौचालय क्या बना लिया, तुम सोचने लगे तुम ही सब कुछ हो, हैं? एक बंदा गया कह रहा जी मैंने निचला माला बनाना, कितने का? मोदी साहब जैसा। वो कहना जी 40,000 का। कहना ऊपरला कितने का? वो कहना जी 15,000 का। कहना फिर ऊपरला 15,000 वाला ही पा दो। ठोको ये तुम नहीं बताओगे, ये लोग फैसला करोगे, क्योंकि लोग मालिक हैं, लोग फैसला करेंगे कि उन्होंने चौकीदार रखना है कि नहीं रखना, ये लोगों का फैसला होगा कि वो चौकीदार रखेंगे या नहीं रखेंगे। और आने वाला समय ये इतिहास गवाह होगा, इतिहास गवाह होगा कि बुरे दिन जाने वाले हैं और राहुल गांधी आने वाले हैं, बुरे दिन जाने वाले हैं और अब की बार बस कर यार, हाय शाबाश, छा गया गुरु छा गया, हाँ? अब की बार गूंगे बहरे कानों तक अगर आवाज पहुंचानी हो, गूंगे बहरे कानों तक अगर आवाज पहुंचानी हो तो धमाका जरूरी है। दोनों हाथ खड़े करके इस मोदी सरकार को हिला दो। गरीब की नहीं है, 2 लाख का कर्जा लेता है ना, 2 लाख का कर्जा लेता है किसान, ब्लैंक चेक लेते हैं, ब्लैंक चेक, और अगर 2,000 देता नहीं ना महीने में तो मुनियादी करवाते हैं, ढोल पिटवाते हैं, कोऑपरेटिव बैंक के बाहर उसका फोटो लगवाते हैं और जेल में ठुकवाते हैं। तो मोदी साहब 1 लाख करोड़ अडानी ने नहीं दिया, 46,000 करोड़ अंबानी ने नहीं दिया, 17 लाख करोड़ वो ले गए बैंकों के, सरकारी बैंकों के 90 लाख करोड़ के जो बाहर छुपा रखे थे, तुमने कहा था ब्लैक मनी सब लेके आऊंगा, सब 6,000 नामों की लिस्ट है, 6,000 नामों की, एनपीए की 17 नाम राजन लिस्ट, 17 नाम वो नहीं तुमने दिए, जेठमलानी साहब ने केस डाला, लिंकनस्टाइन बैंक जर्मनी का 30 लाख करोड़
बाहर विदेशों में एफिडेविट सीबीआई का सुप्रीम कोर्ट में, तुम तो सुप्रीम कोर्ट को फैक्ट ही नहीं देते, पहली सरकार है जो सुप्रीम कोर्ट को भी झूठ बोलती है। सुप्रीम कोर्ट ने बालू मरोड़ के सहारा श्री को अंदर किया पैसे जमा, सुप्रीम कोर्ट ने बाजू मरोड़ के अंबानी को धूरी मारी 5,000 वहां जमा, तो तुमने आज तक इनसे पैसे क्यों वसूले नहीं? इन 10,000 नामों से अगर 4 नाम भी तुम दे दो ना नरेंद्र मोदी, 4 नाम भी अगर तुम दे दो तो मैं तुम्हें वोट डालने के लिए तैयार हूं, क्योंकि ये असली देशद्रोही है। किसी ने डिग्गी में ब्लैक मनी नहीं रखी, किसी ने घर में नहीं रखी, ब्लैक मनी यूरो में है, डॉलर में है, प्रॉपर्टी में है, सोने चांदी में है, विदेशों में है, और डॉलर यूरो को तगड़ा कर रही है, रुपया गिरता जा रहा है। फिर तुमने नोटबंदी कर दी, नरेंद्र मोदी देर नगरी चौपट राजा टके सिर बाजी टके सिर काजा है। तुमने 1,000 का नोट बंद किया, 500 का नोट बंद किया और 2,000 का गुलाबी कर दिया, गाल गुलाबी सुने थे, 9,000 का नोट गुलाबी कर दिया। जिंदगी में नहीं हुआ डिमोनिटाइजेशन, जहां हुई अमेरिका में $5,000 बंद, $1,000 बंद, $10,000 बंद और $100 का नोट चालू हुआ। ब्रिटेन में £5,000 बंद, £1,000 बंद, £500 बंद, £50 का नोट शुरू किया। ये तुम्हारी उल्टी गंगा, मैं पोतड़े खोलता हूं अमित शाह साहब, सवाल करूंगा अभी तुमसे, तुम्हारा जवाब नहीं आया अभी भी, और यहां भी करूंगा। ये पहली बार हो गया कि 500 का नोट लगाया, 1,000 का नोट लगाया, बंद किया और 2,000 का चालू किया। कभी विश्व में नहीं हुआ, इंदिरा जी ने भी की थी, क्यों सर? 1,000 का नोट, 10,000 का नोट बंद करके 100 के नोट, 500 के नोट चालू किए थे। क्यों? कतारों में खड़ा कर दिया गरीब, जो 500 रुपया कमाता था दिन का, वो दिहाड़ी वाला खड़ा हुआ लाइन में, जो गृहिणी अपने घर वाले से छुप के 2-4 हजार जोड़ती थी वो खड़ी कर दी तुमने लाइन में। तुमने लाइन में किसान 5,000 का उधार लेके गया वो लाइन में खड़ा कर दिया, कोई अंबानी अदानी था? बताओ बताओ। गरीब कहता था 4 दिन की जिंदगानी 2 कतार में और 2 इंतजार में। अब सुनो अमित शाह साहब, 750 करोड़ रुपया 5 दिन में अहमदाबाद के कोऑपरेटिव बैंक में जमा हुआ। मुझे पूछ पूछ के थक गया हूं मैं, आपका जवाब नहीं आया। 650 करोड़ जयेश भाई के राजकोट के बैंक में जमा हुआ, और गोपीनाथ मुंडे जी की बेटी पंकजा मुंडे, नाम ले रहा हूं, 750 करोड़ उनके बैंक में जमा किया तुमने। अगर उनके बैंकों में 750 करोड़ जमा होना था मोदी साहब, अमित शाह साहब आपके बैंक में, तो 1 घंटे में सर 12,000 आदमी अगर कतार में खड़े होते और 2.5-2.5 लाख रुपया जमा कराते तो संभव था। अमित शाह साहब, मैं कहता हूं आपको, अगर 12 बंदे कोऑपरेटिव बैंक में 2.5-2.5 लाख रुपया 1 घंटे में जमा करा देना तो मैं तुम्हारी टांगों के नीचे से निकल जाऊंगा, राजनीति सदा के लिए छोड़ दूंगा। सिरे की चोरी की तुमने, गरीबों का पैसा तुमने जमा किया और जो अमीरों का पैसा विदेशों में पड़ा है वो आज तक तुम नहीं लाए। राष्ट्रवाद की बात करते हो, अंबानी करे अमीर करे तो न्यारी लीला, किसान करे तो कैरेक्टर ढीला, सिद्धू करे तो कैरेक्टर ढीला। कोई गोधरा कराने वाला जिसका नाम गोधरा में आता हो, सरदार भगवान सिंह सिद्धू के बेटे को सवाल नहीं कर सकता नरेंद्र मोदी, मैं कह रहा हूं। इसलिए अगर देश के संविधान को जिताना है, देश को जिताना है और आज भारत की अस्मिता को जिताना है तो फिर वोट कांग्रेस, मेरे पिता समान पवन बंसल साहब को ही जाना चाहिए। मैं पुरजोर सिफारिश करता हूं, मैंने कभी वोट नहीं मांगे अपनी सारी जिंदगी में, लेकिन आपके कदमों में मेरे भगवान तुम हो, मैं उस भगवान का सेवक हूं जिसे अज्ञानी लोग मनुष्य कहते हैं। मेरे रब तुसी हो, तुहाडे चरणों में साफा रख के और झुकते वो हैं जिनमें जान होती है, अकड़ना तो मुर्दों की पहचान होती है। झुक के तुम्हारे चरणों में साफा लगा के मैं कहता हूं कि हिंदुस्तान के लिए वोट डालना, हिंदुस्तान की अस्मिता के लिए वोट डालना, हिंदुस्तान की साख के लिए वोट डालना,
वो छोटा मत समझना एक छोटी सी चिड़िया, ये आखिरी बात कर रहा हूं, फिर 15 को आऊंगा और फिर ठोकूंगा। ये छोटी सी चिड़िया जंगल में आग लगी थी और आपके वोट की अहमियत बता रहा हूं। कई कहने ना यार छो बिना की पैदा इन्हें हो रहे उन्हें पा देनी है कोई रौला नहीं ना। एक छोटी सी चिड़िया जंगल में आग लगी थी, तालाब से पानी लाती आग बुझाती, फिर तालाब से पानी लाती आग बुझाती, फिर तालाब से पानी लाती आग बुझाती। एक कौवा बैठा था मोटा ताजा, वो कह रहा चिड़िया रानी समझता था तुझे बड़ी सयानी, तू तो निकली बिल्कुल नयानी, अरे तेरी चोंच में इतू सा आता है पानी, तू सोचती है कि आग बुझने वाली है। तो चिड़िया ने जवाब दिया, कौवे राजा जंगल की आग का जब इतिहास लिखा जाएगा मेरा नाम बुझाने वालों में आएगा, लगाने वालों में आएगा। मैं उसी चिता की अग्नि हूं जो जलती है कश्मीर में, मैं उसी चिता की अग्नि हूं जो जलती है बंबई में, मैं तुम्हें बताने आया हूं कि आग लगी है देश में और लगे आग इससे पहले तुम क्रांति मशाल जला दो, और आग लगाने वालों को तुम पहले आग लगा दो, तुम पहले आग। दोनों हाथ खड़ा करो, गूंगे पहरे कानों तक आवाज पहुंचानी है तो धमाका जरूरी है, धमाका। ये भगत सिंह ने कहा है, भारत माता की, भारत माता की, वंदे 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 वंदे। बात खत्म, खटे।